हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है डॉट कॉम। मेरा नाम सर्वेश सरोहा है और आज हम सीखने जा रहे हैं एथिकल हैकिंग के ऊपर वीडियो नंबर 4, जिसके अंदर सीखेंगे हम क्या कि एथिकल हैकिंग करने का बेनिफिट क्या है, क्यों हम एथिकल हैकिंग का कोर्स करें, क्या हमें बेनिफिट होगा, क्या हमारी कंपनी को बेनिफिट होगा। ये सभी आज हम पता करेंगे कि क्या बेनिफिट्स है एथिकल हैकिंग, क्यों सीखनी चाहिए हमें एथिकल हैकिंग। तो बेनिफिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले एथिकल हैकिंग के बेनिफिट्स है, हमें सबसे बड़ा फायदा यही है, फाइंडिंग वल्नरेबिलिटी बिफोर एन अटैकर, कि एक हैकर के अटैक करने से पहले ही यदि हम अपने सिस्टम, अपने अपने नेटवर्क की सारी कमजोरियों का ही पता लगा लें। कैसे पता लगाएंगे? जब हमें एथिकल हैकिंग के बारे में पता होगा, उनके टूल्स का पता होगा, उनके कंसेप्ट के बारे में पता होगा। यदि एक हैकर के अटैक करने से पहले ही मुझे ये पता चल जाए कि मेरे नेटवर्क में, मेरे सिस्टम में क्या कमी है, जिन कमियों को मैं दूर करके उस हैकर को, उस अटैक को से बच सकता हूँ, तो सबसे बेनिफिट, सबसे बड़ा ही फायदा यही होता है कि हमें अपनी वीकनेस का पता चलता है। सेकेंड, यूजिंग हैकर टेक्निक्स टू क्लोज योर मॉडल टू ए ट्रू अटैक। इसका फायदा क्या है कि जो हम हैकर टेक्निक का यूज करके एक अच्छे लेवल पे हम एक मॉडल तैयार करते हैं, जिससे हम एक अटैक से काफी हद तक अपने नेटवर्क को सिक्योर किया जा सकता है। थर्ड है डॉक्यूमेंटिंग द स्ट्रॉन्ग एंड वीक सिक्योरिटी एरियाज। हम दूसरा काम क्या, थर्ड काम हम क्या करते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जिसके अंदर अपने सिस्टम के स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन से हैं, हमारे जो नेटवर्क है उसका कहां कहां से हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्या किन चीज़ों पे हमने पूरे उन पॉइंटों को हमने स्ट्रॉन्ग कर रखा है, कौन कौन से हमारे सिस्टम के वीक पॉइंट हैं, इन्हीं वीक पॉइंटों का यूज़ करके एक हैकर हमारे नेटवर्क पे अटैक कर सकता है। हाँ, उन्हीं वीक पॉइंट को हम स्ट्रॉन्ग भी किया जा सकता है। वो स्ट्रॉन्ग भी कहाँ से किया जाएगा? एथिकल हैकिंग से ही। यदि आपको एथिकल हैकिंग का कोर्स आता है तो उन वीक पॉइंटों का पता करके, उनके ऊपर अच्छे से काम करके और उस वीक पॉइंट को काफी हद तक आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिससे एक हैकर को अटैक करने में काफी दिक्कतें महसूस होगी। ठीक है, लास्ट है हमारा, फिर देखते हैं कि एथिकल हैकिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी। अब बात यही आती है कि एथिकल हैकिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या है, कि नेटवर्क सिक्योरिटी भी हम अपने नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स कर लेते हैं जिसके अंदर हम अपने नेटवर्क को भी तो सिक्योर कर सकते हैं, एथिकल हैकिंग नहीं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है पढ़ते हैं एथिकल हैकिंग के बारे में। एथिकल हैकिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉमन सिक्योरिटी टेक्निक्स। एथिकल हैकिंग जो एक कॉमन सिक्योरिटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है, मतलब इसके अंदर एथिकल हैकिंग करने के लिए हम फुल्ली आज़ाद है, हम कोई भी टूल, कैसे भी टूल अपना खुद का बिल्ड करके उसके अंदर अपने नेटवर्क को काफ़ी हद तक हम सिक्योर कर सकते हैं। हमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ मुझे यही टूल यूज़ करना पड़ेगा तभी जाके मैं अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, नहीं। एथिकल हैकिंग में हम बिल्कुल फुल्ली आज़ाद हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसा टूल को हम अपने कोडिंग बिल्ड करना चाहे वो बिल्ड कर सकते हैं। एक सुरक्षा, अपनी कंपनी और अपने नेटवर्क, अपने सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए मैं किसी भी टेक्निक्स का इस्तेमाल, उसको बिल्ड कर सकता हूं और उसको यूज़ कर सकता हूं। हम इसको फुल्ली राइट्स है एथिकल हैकिंग में। लेकिन यही बात की जाए नेटवर्क सिक्योरिटी में, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आपको अप्रूवल टूल ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो एक डॉक्यूमेंटेड सिस्टम बनाया गया है कि भाई ठीक है आपके, जैसे मान लो मैं बात करूं, आप फायरवॉल यूज़ करेंगे आपका वीपीएन को सिक्योर करने के लिए, वीपीएन सिक्योरिटी है, लेकिन देखिए क्या है, ये सारे आपको अप्रूवल टूल है कि यही टूल ही आपको यूज़ करना है, ये अप्रूवल टूल है और आपको इसी टूल को यूज़ करना है, इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उसके अंदर हैकर के अटैक्स करने के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उनको कैसे आप उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसा आपको मिला उसको वैसे ही आपको यूज़ करना है। तो एथिकल हैकिंग से हमें दूसरा बेनिफिट यही होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी में हमें नहीं पता चलता इन बातों को, एथिकल हैकिंग में हम ऐसी टेक्निक्स पढ़ते हैं, ऐसे कंसेप्ट को पढ़ा जाता है जिसके बेस पे मैं अपने वीक पॉइंट्स को फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि
ज़्यादा फोकस हमारा एथिकल हैकिंग पे यही होता है कि हम एक किसी भी सिस्टम के वीक पॉइंट्स पे उनको फाइंड आउट करें, उन वीक पॉइंटों को कैसे हम स्ट्रोंग किया जा सकता है, जिससे हम एक अब उसको स्ट्रोंग करने के लिए भी मुझे फुल्ली राइट्स है, मैं कैसा भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टूल, एक वायरस बना के कैसा भी जो मर्जी आप करना चाहो, जो भी टेक्निक आप यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो, कहीं से आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यही बेनिफिट है जिससे हम अपनी एथिकल हैकिंग कोर्स करने से, एथिकल की नॉलेज होने से हम अपने नेटवर्क की जितनी भी कमियां हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, और उन्हीं कमियों को दूर करने के, उनके वीक पॉइंट्स को दूर स्ट्रोंग करने के लिए हम अपने पैकेज या सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं और उनको स्ट्रोंग करते हैं, जिससे हम आने वाले अटैक से हम बच सकते हैं और हमारा नेटवर्क काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा बेनिफिट्स ऑफ एथिकल हैकिंग, दूसरा हमने पढ़ा एथिकल हैकिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी में मेन डिफरेंस क्या है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, प्लस यदि आप ये चाहते हो कि मेरी वीडियो इन फ्यूचर आपको जब भी मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए या मेल के थ्रू आपको उस वीडियोस के बारे में पता चले, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू मिल जाएगी। सेकेंड, हम आप हमारे फेसबुक पेज पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये हमारा एड्रेस है asanhai.com, ठीक है। इसके बाद हमारा ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमारा हमारा खुद का एक ब्लॉग भी हमने बनाया है जिसके ऊपर सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं, इन सभी पे जाके आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड, सबसे बेस्ट जो एक वीडियोस को देखने का जो रास्ता है वो है हमारी साइट, जिस साइट का नाम है www. ये एड्रेस है www.asanhaina.com www.asanhaina.com। इस साइट पे आपको जितने भी हमने कोर्सेज के ऊपर वीडियोस बनाए सभी कोर्सेज की लिस्ट है, और हर एक वीडियोस को एक अच्छे तरीके से हमने सीरीज में मेंटेन किया है, जिससे आपको ये दिक्कतें नहीं आती कि पहली कौन सी वीडियो को देखा जाए उसके बाद कौन सी को देखा जाए, तो ये हमने सारे वीडियोज़ को सीरीज पर लगाया है। तो आप इस साइट पर विजिट कर सकते हैं और आने वाले जो वीडियोस हैं या जो हमने अपलोड किए हैं उन वीडियो को देख के आप अपने नॉलेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।